हेलो। हाँ जी, अरे तुसी कणक बीजी है जी? कोई वक्री वरायटी? केड़ी हाँ जी, डीजी वरायटी है? उन्नी वरायटी डीजी केड़ी है, डीजी उन्नी यूनिवर्सिटी दी है? इजराइल दी है वरायटी, एक भी इजराइल दी यूनिवर्सिटी दी है? नहीं है। कोई पता थानू इजराइल दी केड़ी यूनिवर्सिटी है? नहीं, नहीं पता अपना वीरे, वैसे बस ही इतना तो पता अपना इजराइल की वैरायटी है। मैं कितों तुम बी लिया ही? अच्छा, इधरों हरियाणा वाली साइड तो कितो यार दोस्त है जी, उनके को मंगवाया जी। हाँ जाने जी, की तुहाडे को कोई बिल वगैरह हैगा इहदा भी, गारंटी ना वगैरह? ना, बिल नहीं है जी, जिमीदार को लिया, बिल तो है ही नहीं आता, उस तरह ठीक कितो है ही जी। नहीं मिलता, सिर्फ जिमीदार को ही है, यूनिवर्सिटी मंजूर है ही नहीं उस तरह का। ते केड़े रेट दे बी बेच देवे दा? वीर जी मैं लैंदा जी 550 रुपया नु किलो। अच्छा, हाँ जी, पिछले साल तो थोड़ा घना जी अपने को रिश्तेदारी ला गया था, नहीं हूँ साढ़े आप रेट 300 रुपया रखे हैं। 300 रुपया किलो तुम देंदे हो बी हुण, जिन्हें भी लेना जिमीदार ने? ते हाँ जी, पिछली किन्ना झाड़े दा तुहाडा पिछली बारी किन्ना आया? बारी मेरे झाड़ नहीं निकल सके क्योंकि मेरे को बीज थोड़ा सी, 3 किलो ही थी क्योंकि तुहाडे को झाड़। कोई बिल भी नहीं जाके केड़ी वरायटी है ना, तुहानू कोई यूनिवर्सिटी दा भी नहीं नहीं, पता। वरायटी की जड़ी उन्हें कही है, वरायटी है तो ना प्लास की वरायटी वही है। परे तुसीं जिहड़ा 300 रुपया किलो बेचदे हो, ये ठगी है जिमींदारां दे नाल है। काली ठंडी है, 300 रुपया किलो कणक दा कित्थे रेट है? हुण 20 रुपया किलो कणक आम मंडी दे विच विकदी है, तो अच्छा तुसीं तीन सौ अच्छा जी, रुपया मतलब एक तो जिमींदार फिर 100 रुपये किलो, 100 रुपये किलो क्यों चाहना था बीज बिकता। कंपनियां दे बी हुंदे आ, ग्रेडिंग कीती हुंदी, कई कुछ कीता हुंदा, ओह्दे तों बी दा पता हुंदा है वी केड़ी कंपनी दा बी है, केड़ा बी है, किन्ना झाड़ दित्ता है, इहदियां पुछतां की ने। इस बी दा तो कुछ भी नहीं पता भी ये केड़ा बी है, कित्थों आया, कि ये केड़ी यूनिवर्सिटी दा हैगा, भी यार असली है इजराइल क्या? तो आया, अभी जिमीदार को लिया, जिमीदार नु चंगा लग गया तो उन्हें बेचता, सानू चंगा लग गया सी ले आंदा, ठीक है ना। इजराइल दियां यूनिवर्सिटीयां जिहड़ियां ने ना, जे इंडिया दे विचों बी हुंदे होण, इन्ना झाड़ देंदे होण, ते फिर साडे वर्गे तां उत्थों लिया के बीज लैणे ते किड्डी किते गल है। वीरे कितू आए ही है ना बीज, जेड़े बंदे ने लिया है, मान ले उन्हें भी कितू लिया ही है, वो अपने इंडिया का ही बंदा है ना, ठीक है ना। उन्हें हम की पता लगा, आप इन्हें सवाल ही नहीं किते, जिथू लाया ठीक है बी अपन मिल गया, अपन उस चीज का मतलब आपका की लेना, अभी की लेना उस चीज को। हो सकता वो झूठ ही बोलता होवे, इस गल दी गारंटी नहीं। यार मान ले वो तो उनके मन का धर्म है, आप की कह सकने, ठीक है ना, आप को ये तो नहीं किसी ने कहा भी मैं 75 मन कर दी बैठा। सुनो ना, तुहानू हुण बिल्कुल नहीं पता भी इहदा किन्ना झाड़ आउणा है, ये वरायटी केड़ी जिन्ना जिन्ना उन्हें जिदा कहा, मैं तो वीडियो चौदह के आए तो नहीं, मैं क्या मेरे लो इना झाड़ होनी ही होना, ये तो नहीं क्या ना। है। नहीं, जे गलत झाड़ आउंदा है तो फिर जिन्हें 300 रुपया किलो मान लो बी लै के पा लिया, ओहदा की बनूगा? बहू जी ये तो उनकी होने तक किसी बिजनी नहीं, तुसी होने बिजनी में बिजाई करनी, किवें? नहीं, तुसी होने तो नहीं बिजाई करनी, तुही हुणे बी वेच रहे हो ना? मैं तो बी भी भाई वीडियो किसी ने बुकिंग करानी करा हुआ मेरे को, तो कराई जाने लोग मान लिया मेरी ये कणक मान लो 20 दिन कट्टे भी झाड़ का पता लग ही जाना मैनू। जदों तुहाडा झाड़ आऊगा ना 75 मण तो ज्यादा आऊगा, तुसीं पहलां ते पता करो कि केड़ी यूनिवर्सिटी दा बी है। तुसीं जिन्ना मर्जी बेच लियो जे, सानूं कोई दिक्कत नहीं है, पर तुसीं वीरे ऐदां मैं तो ना नहीं। अज मैं तो पता मेरे कर मेरे को तो ना इना टाइम हुंदा, तो कारीगर का पता आपा करना नहीं, जिन्ने लेना ले जूगा, जिन्ने नहीं लेना अगले दी मर्जी है, अपना जिन्ना झाड़ आया किसे पूछा तो उन्ना ही दसना भी इना झाड़ आया है। नहीं, तुहाडे कोल ते झाड़ आया ही नहीं ना, तुसीं की दसोगे किन्ना झाड़ आया? ओ मेरे आऊगा ही आना, 20 दिन कनक ना कट्टेगी। हाँ, पर जिहड़ी तुसीं हुणे 300 रुपए किलो दे हिसाब दे नाल बुकिंग करदे हो, ये ठगी है जिमींदारां दे नाल, इदां ना करो। मैंने 500 रुपये लिया सी ना, नहीं, मैं वो मेरे घर का नहीं आया ला के, मेरे तुहानू किसे ने ठगी मार ली, इहदा मतलब ये थोड़ा भी तुसीं गांह लोकां नूं ठगी मारोगे। ठगी अंदर चुका रही है, एक ठगी, चीज मैंने दसो 300 रुपए किलो कितने मेरी जान ठगी लगो ना, तुसी दसो, तुसी दसो 10 किलो बी कोई पा रहा है, कोई वैरायटी है अपने 10 किलो वाले। 10 किलो ਨੂੰ ਛੱਡੋ, 2 ਕਿਲੋ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕਣਕ ਬੀਜ ਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ 2 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਘੇਰ ਲਈ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। 10 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਝੇ ਵਾਹਣ ਚ ਕੇਰਨੀ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਿੱਟੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦੀ। ਰੇਟ ਫਿਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਠੱਗੀ ਗਿਆ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਝਾੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਾਇਟੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੀਬੂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਰੂਰੀ ਨੀ ਹਰ ਜਮੀਨ ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਝਾੜ ਦਾ ਪਤਾ 300 ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਮੀਦਾਰ ਮਰਨ ਡਿਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਮੀਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨੀ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਰਾਇਟੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੀ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਮੰਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੀ ਪਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਚ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ 90% ਬੈਠੀ ਚੋਰ ਹਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਹਨ 90% ਲੋਕ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 91 ਨਾ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹਨ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਬੈਠਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਬੈਠਣ ਕਿਹੜਾ ਨੀ ਸੋ ਚੋਰ ਹੈਗਾ ਦੱਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦਈਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਨੀਗਾ ਯਾਰ